Hi friends, I'm Rajni from Divine Energy Healing Powers. Friends, thank you for liking, sharing, subscribing, viewing, watching my YouTube channel Divine Energy Healing Powers. Friends, also follow me on Instagram and Facebook. Thank you so much friends. Hi. फिर मैं न्यू ईयर पर मेरे विशेस विश बॉक्स में लिख कर रखती हूँ साल भर के लिए मुझे क्या क्या चाहिए है राइट और टाइम टू टाइम मैं मेरे विश बॉक्स में सारे विशेस मेरे भर के रखती हूँ और ईश्वर से पूजा प्रार्थना करते रहती हूँ। आपको ये ऐसा विश बॉक्स राइट आपको ऑनलाइन पे मिल जाएगा राइट, ये लेकी के सिंबल्स हैं रेकी। जो नॉलेज मुझे है रेकी का, जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, जब भी मैं बात करती हूँ कि आई विल टीच यू रेकी तो फिर मैं गायब ही हो जाती हूँ, यूट्यूब चैनल पे आती ही नहीं हूँ लेकिन है ना मुझे बहुत अच्छा नॉलेज है रेकी का, मैं दिन पे दिन एक्सपीरियंस करती हूँ राइट। यूट्यूब के ऊपर भी बहुत अच्छे अच्छे रेकी मास्टर्स हैं। मैं मंत्र करती हूँ मेरे कामयाबी के लिए, मंत्र में मैं काफ़ी सिद्ध हूँ। सेकंड रेमेडी जो मैं करती हूँ दैट इज़ मेडिटेशन। मुझे योगा और प्राणायाम सीखा है मैंने लेकिन इतना मज़ा नहीं आता लेकिन अगर मैं योगा और प्राणायाम भी करूँ तो मैं और कितना ईश्वर के नज़दीक जा सकती हूँ। फिर रेकी करती हूँ मैं, आई डू रेकी, रेकी मेडिटेशन, फिर ये सारे रिचुअल्स, कैंडल मैजिक, हर्ब्स एंड ऑयल मैजिक्स, मेडिटेशन और दुआ पूजा प्रार्थना मंत्र। तीर्थधाम करती हूँ मैं राइट, तीर्थधाम में भी बहुत ताकत है और दान में सबसे ज़्यादा ताकत है। कई बार इतनी बिजी हो जाती हूँ कि मुझे एक अगरबत्ती भी लगाने में टाइम नहीं मिलता है ईश्वर को। कई कई दिन जिस तरह से मैं यूट्यूब चैनल पे नहीं आती हूँ, इतनी बिजी रहती हूँ, मेरा काम छोड़ के तो मैं वैष्णो माता भी नहीं जाती हूँ। वर्क इज़ वर्शिप, तो पहला मैं मेरा काम करती हूँ और जब समय मिलता है तब मैं सारे रिचुअल्स करती हूँ या प्रेयर करती हूँ, मेडिटेशन करती हूँ या जप करती हूँ। लेकिन जप मैंने मेरे जीवन में काफ़ी किए हैं, जब अपन जप जपतो तेवा जप आपल्याला जपतो, तो जप मंत्र मेडिटेशन और रेकी ये मेरे कुछ हथियार हैं जिससे मैं मेरा जीवन व्यतीत करती हूँ। और मुझे आपको ये कहना है कि जब हम पैदा हुए तब ईश्वर ने हमें सब कुछ दे दिया है खाने के लिए, फल फ्रूट और सब्जी रोटी ये सब कुछ दे दिया है जीने के लिए, क्या क्या चीज़ें हमें चाहिए। जब हम छोटे बच्चे थे, खेती बाड़ी नहीं कर रहे थे, सर्विस नहीं जा रहे थे, तभी माँ को दूध आया और हम दूध पी रहे थे, ये तो ईश्वरी मैजिक है क्या नहीं राइट। मैजिक तो होता है, चमत्कार तो होता है, इसलिए तो हम ईश्वर को नमस्कार करते हैं। तो ईश्वर ने हमें सब कुछ दे दिया है और उनको सिर्फ ये कहना है कि आपको धरती पे जाकर आनंद उठाना है इन सब चीज़ों का, इन सब चीज़ों को लेकर आनंद उठाना है और अच्छे से जीना है, हैप्पी जीना है, हेल्दी जीना है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, मोह माया में आते हैं, लोभ में आते हैं, गर्व में आते हैं, ईगो एटीट्यूड में आते हैं और भूल जाते हैं ईश्वर को राइट। ईश्वर इन रिटर्न, ईश्वर ने अनंत कोटि चीज़ें हमें दी है, उसके बदले में ईश्वर हमसे क्या चाहता है? ईश्वर हमसे सिर्फ दो चीज़ चाहता है, अच्छी सोच और अच्छे कर्म, बस सिर्फ ये चाहता है ईश्वर। और हम ये दो चीज़ ही उसे दे नहीं सकते हैं, ना अच्छा सोचते हैं ना अच्छा करते हैं। तो जब आप अच्छा सोचते नहीं हो, अच्छा करते नहीं हो,
तो ईश्वर आपको डंडे क्यों ना मारे, सोल शॉक, आत्मा पे शॉक्स क्यों ना दे। आपने आप क्यों भूल जाते हैं कि ऑल द टाइम ईश्वर आपको देख रहा है और उसे सिर्फ दो चीज चाहिए है, अच्छा सोचो अच्छा करो और उसके बनाए हुए हर इंसान के साथ अच्छा करो, पेड़ पौधों के साथ अच्छा करो, एनिमल्स के साथ अच्छा करो। लेकिन हम इतना दे नहीं सकते हैं। फिर ईश्वर क्या करता है, वो तो बहुत बड़ा शतरंज का खिलाड़ी है, वो तो पूरा ऑल द टाइम हमें वॉच कर रहा है। फिर ईश्वर क्या करता है, सांप सीढ़ी के खेल की तरह राइट, अपनी चर्बी झड़ाने के लिए बड़ा सा सांप दे देते हैं, ऐसे लोग लाकर अपने जीवन में खड़ा करते हैं जो बर्बाद कर देते हैं, सांप बन के हमारा भाग्य खा लेते हैं, पूरा सपाट कर देते हैं हमको। सांप सीढ़ी के खेल की तरह खेल खेलता है ईश्वर, शतरंज के मोहरे की तरह खेल खेलता है ईश्वर। जब ईश्वर देखता है कि एक बहुत अच्छा बंदा है, मेरे पेड़ पौधों का ध्यान देता है, मेरे एनिमल्स का, मेरे पशु पक्षियों का ध्यान देता है, मेरे बनाए हुए दूसरे इंसानों का ध्यान देता है, तो सीढ़ी लाके खड़ा कर देता है अपने सामने, ऐसा कोई बंदा लाके खड़ा कर देता है कि सीढ़ी चढ़ के टॉप चढ़ गए हम लोग। और अगर हमने उसके बनाए हुए लोगों को सताया तो सांप, बड़ा सा सांप गिल जाता है हमें। या फिर वो शतरंज खेलता है, देखता है कि ये आदमी बहुत अच्छा है, उठाता है घोड़ा और एक अच्छा इंसान उसके सामने रख देता है, चाल चलता है कि अब इसका अच्छा कर ले। या फिर ऐसी चाल चलता है, ऐसा सेनापति खड़ा कर देता है कि खत्म कर इसको, मैटर इसका क्लोज कर, क्योंकि ये सता रहा है। हम यही नहीं सोचते हैं कि ईश्वर कुछ भी मैजिक कर सकता है, यस को नो कर सकता है, नो को यस कर सकता है। उसे सिर्फ दो चीज हमारे से चाहिए है, अच्छी सोच और अच्छे कर्म। ये दो चीज अगर हमने किए, अच्छे अच्छे हमको नमस्कार करेंगे ये ईश्वर का चमत्कार होता है। हम तो बाबा ईश्वर के बंदे हैं, ईश्वर का नाम लेके जीते हैं, ईश्वर का काम करते जीते हैं, कोई चीज की कुछ भी कमी नहीं है, जितना चाहिए जो चाहिए है रोज मेरे डेरे पे मुझे मिल जाता है, मुझे भाग दौड़ करने की जरूरत नहीं है। अच्छे अच्छे लोग मेरे लाइफ में आ जाते हैं, मुझे मदद करते हैं, हेल्प करते हैं, और जो अच्छे नहीं होते हैं ईश्वर उनको मेरे लाइफ से निकाल डालता है। पहला तो मैं ईश्वर से लड़ा करती थी, ऐसा क्यों करते हो, ऐसा क्यों करते हो मेरी लाइफ से, उसको क्यों लेकर गए, उसको क्यों ये किया। बाद में मुझे पता चलता है कि ईश्वर ने राइट किया। थैंक यू सो मच, हैप्पी न्यू ईयर।